हेलो गाइस, मैं हूँ दानिश अंसारी, DSO से। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेकरी मशीनों के बारे में, बेकरी बिजनेस के बारे में। बेकरी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी मशीनें आपको यूज़ में आने वाली हैं, आपको कौन कौन सी मशीनें उसमें लेनी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे वीडियो हमारी मिलती रहे बेकरी बिजनेस से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि आपको अगर बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना है या बेकरी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो आपके लिए बेकरी बिजनेस बहुत सूटेबल बिजनेस होने वाला है, जिसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें आप उतना माल बना के उसमें अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि भाई बहुत लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा भले उनके पास बहुत है लेकिन सोचते हैं कि हम बिजनेस क्या करें, क्या काम करें, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कोई काम हो। तो उसमें एक दोस्तों बेकरी बिजनेस भी, आप बेकरी का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि तो ये काम ऐसा है दोस्तों, ये खाने पीने वाला आइटम है और खाने पीने वाले आइटम आपने देखा होगा कि वो चलते ही हैं और ना के बराबर बंद होते हैं। बंद वो होते हैं जो उसमें इंसान का कोई अपना फॉल्ट होते हैं, अपनी कोई कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाता है या वो अपना काम बंद कर देते हैं। उसमें फिर बहुत से लोग उसमें कहते हैं कि भाई हमारी किस्मत ठीक नहीं है या किस्मत नहीं चली, बल्कि ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल नहीं पाता। तो दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि हम क्या बिजनेस करें, क्या काम करें, तो उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि उसमें आप एक बेकरी बिजनेस भी एक अच्छा बिजनेस है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उसी पर आज हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें हमें कौन कौन सी मशीनों की यूज में मशीनें हमें लगती हैं और कौन कौन सी मशीनें होती हैं बेकरी की शुरुआत करने के लिए, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, उससे भी पहले जो जरूरत पड़ती है हमें मशीनों से, पहले हमें जगह की जरूरत पड़ती है कि हमें जगह देखनी होती है, हमें जगह कितनी बड़ी चाहिए। अब जगह डिपेंड करती है कि आपका काम कितना है, कितना आप पर डे की सेल करेंगे, कितना आप कितने प्रोडक्ट आप बेकरी में बनाएंगे, सबसे मेन चीज़ ये होती है। आप उसके अकॉर्डिंग फिर जगह भी डिसाइड करेंगे। जगह के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेकरी कौन सी खोलनी है। एक होती है दोस्तों बेकरी होलसेल वाली, एक होती है काउंटर सेल वाली। काउंटर सेल की बेकरी पे आपको लोकेशन देखनी पड़ेगी, होलसेल की बेकरी खोलने के लिए आपको कोई जगह लोकेशन नहीं ढूंढनी है, आप जंगल में भी अपनी बेकरी डालें। उसमें क्या होता है, आपको माल अपना बाहर जाके दुकान पे, होलसेल की दुकान पे वो खुद से डालना है। अच्छा, बेकरी खोलने के लिए ऐसा भी नहीं कि पैसा ही सबसे पहले, मेन सबसे पहले बहुत लोग के माइंड में रहता है कि भाई पैसा है नहीं है हमारे पास, हम इतने अमीर नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, हम तो कहीं खुद नौकरी कर रहे हैं, खुद जॉब कर रहे हैं, लेकिन माइंड में है कि हमें अपना बिजनेस करना है। बहुत बेकरी के लेबर ऐसे हैं कि भाई हम चाहते तो अपनी बेकरी डालते हैं लेकिन पैसा नहीं है, बेकरी नहीं डाल पा रहे। तो बहुत ऐसे हैं, चलो बहुत उनकी तो अलग छोड़ दो कि पैसा है लेकिन पता नहीं है बिजनेस कौन सा करें, वो कर लेंगे, पैसा लगा देंगे, 8-10 लाख रुपए आराम से लगा देंगे बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला उनका है जो चाह रहे हैं कि हम बिजनेस करें लेकिन पैसा नहीं है, मसला तो उसका आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेन चीज पैसा नहीं है। पैसा जिनके पास है वो भी, इस बात को ध्यान से सुनो, जिनके पास नहीं है वो भी, पैसा मेन चीज बिजनेस में नहीं है। वो कोई भी बिजनेस हो, बेकरी को तो छोड़ दो या कोई सा भी बिजनेस आप करो किसी भी लाइन का, उसमें मेन चीज पैसा नहीं। मेन चीज सबसे पहले जो है वो है हौसला, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। कोई भी बंदा है वो गरीब है अमीर है, पैसे हैं या नहीं, जो बिजनेस करने वाले दोस्तों वो जीरो से स्टार्ट होके भी बिजनेस, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस अपने कर लिए स्टार्ट कर। स्टार्ट जो करने का जो डर है ये नहीं होना चाहिए मन में, एक जैसे बोलते हैं ना रिस्क उठाना कि भाई हम तो रिस्क उठाएंगे कैसे, पैसे ही नहीं है। तो मेन चीज होती है रिस्क लेना, लाइफ में रिस्क लेना। और बहुत क्या करते हैं, एक बार लिया रिस्क, लिया कोई भी बिजनेस कराया बेकरी खोली, एक बार नहीं चला पाए वो बंद कर दिया, फिर दोबारा अरे ठीक है तुमने बंद कर दिया लेकिन फिलहाल के लिए कहीं जाके जॉब कर लो, नौकरी कर लो, लेकिन माइंड में जिसके ये हो गया कि भाई मैंने एक बार खोला था, एक बार खोल के देख लिया या एक दो बार खोल के काम देख लिया, बेकरी स्टार्ट करके देख ली मेरी नहीं चली, मैंने बंद कर दिया, अब तो मैं नौकरी ही करूंगा कहीं भी दूसरे की बेकरी में, तो भाई तुम्हारे लिए ये बिजनेस नहीं है या कोई भी बिजनेस। और दूसरी, जो आलसी लोग हैं, मतलब के सोच रहे हैं पैसा लगा देंगे उसके बाद मुझे काम नहीं करना है, लेबर अपना बेकरी में काम करेगी मैं क्यों करूँगा काम, मैंने तो पैसा लगा दिया, तो उन लोगों के लिए भी बिजनेस नहीं, बेकरी के लिए आपके लिए ये बेकरी है ही नहीं, जो आलसी लोग हैं। उसके अलावा ऐसे हैं बेकरी खोल ली, यारी दोस्ती में घूमते फिर रहे हैं,
रिलेटिव में बिना देखे बिना सोचे समझे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी यारी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, किसी का फोन आ गया, हेलो हाँ जी भाई कहाँ है, यहाँ देख रही तुम, चल भाई आ जाओ, तो चल दिए उसके साथ। आपने देखना है कि भाई मेरा संडे की छुट्टी होती है, मुझे संडे में ही जाना है, मैं संडे में ही जाऊंगा, इसके अलावा मैं नहीं जाऊँगा। तो एक तो हो गया आपको मेन चीज पैसा नहीं है, पैसा आप लगा भी दो, उधार सुधार लेके लगा लो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी करके लगा लो। सबसे मेन चीज है, सबसे जो अहम पॉइंट है वो है मेहनत। बिजनेस कोई भी हो वो मेहनत मांगता है, और बेकरी में कम से कम 12 घंटे आपको देना है डेली का, पर डे, भले संडे की छुट्टी है वो छोड़ो, यारी दोस्ती में घूमना संडे में जाओ, रिलेटिव में जाना संडे में जाओ। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं टाइम कितना दे रहा हूँ, पैसा मैंने लगा दिया पैसा साइड में रख दो, ये तो हर किसी को करना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी है सब करनी है, लेबर को भी एडवांस देना पड़ सकता है 1 महीने का 2 महीने का, वो भी देना पड़ेगा। तो पैसा लगा के ये नहीं छोड़े में बैठो कि भाई मैं तो पैसा लगा दिया और छोड़े में घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पैसा लगाने के बाद शुरू होती है मेन काम, मेन जो मेन पॉइंट है वो पैसा लगाने के बाद शुरू होगी कि मेहनत, तुम टाइम कितना दे रहे हो बिजनेस को अपना। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात कहीं से कहीं आ गई है, बात शुरू करी थी हमने जगह पे, जो सबसे पहले मेन चीज है वो जगह है, लेकिन इनसे पहले मेन चीज मैंने जो आपको बताई है ये भी है। एक तो पैसा बात की चीज है, पहले होना चाहिए पैशन, उसके बाद, क्योंकि फिर पैसा लगा के कोई फायदा नहीं, तुम 8-10 लाख रुपए लगाओ, 5-7 लाख रुपए बिक्री में लगाओ, फिर मत लगाओ भाई, इससे बढ़िया तो तुम घर पे आराम कर रहे थे या कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, वो ही सही। अब पैसा लगाया है तो मेहनत डबल चाहिए, 10 लाख रुपए अगर लगाए तो 20 लाख वाली उसमें मेहनत लगा दो, कोई भी बिजनेस हो, फिलहाल तो हम बेकरी बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर बेकरी में आपने 10 लाख रुपए मशीनों में लगा दिए हैं, सब चीजों में लगा दिए हैं, उसमें मेहनत करो 20 लाख वाली, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फेल कर दे, पीछे कर दे, क्योंकि जो लोग फेल हो जाते हैं वो अपनी कमियों की वजह से फेल होते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे पहले जो सबसे पहले है वो मेरा बिजनेस है, मुझे मेहनत करनी है, जब सेट हो जाएगा काम सेट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर घूमो फिरो ऐश करो, लेकिन शुरू में तुम चाहोगे पैसा लगा के मैं ऐश करूं, वो ऐसा नहीं होगा, साल 6 महीने साल 2 साल आपको पूरा बिजनेस में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बोलते हैं ना कि पूरा ये तो समझ लो कि काम में ही लगा हुआ है, हमें हमारे को टाइम ही नहीं देता घर वालों के, बोले तो टाइम तुम्हें देंगे बाद में देंगे, पहले हम कुछ सेट हो जाए, कुछ पहले इसको काम को सेट करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं जगह की, तो जगह में चाहिए तुम्हें, अगर काउंटर सेल की बेकरी डालना है तो काउंटर सेल की बेकरी के हिसाब से आपको अपना एरिया देखना पड़ेगा, आपका एरिया जैसे मार्केट टाइप का है या चौराहा है या जहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ रश वाला एरिया है, वहाँ पे आपकी काउंटर सेल की बेकरी चलेगी, जिसमें कि आपको मशीनें लगती हैं, रोटरी ओवन, मिक्सर, स्पाइरल मिक्सर होता है, प्लांटरी मिक्सर होता है कुकीज के लिए, और एक होता है स्लाइसर होता है, उसमें छोटे ही लगेगी, जैसे रोटरी ओवन है 24 ट्रे या 36 ट्रे का, मिक्सर है 20 kg का, 20 kg का, या उसमें इम्पोर्टेड भी आते हैं छोटे वाले, वो रख लेंगे आप 40 लीटर का, उसमें 16 किलो एक बारी में मैदा मिक्स होती है, उसके अलावा प्लांटरी मिक्सर है 30 लीटर का, आप रख लो उसमें कुकीज के लिए, क्रीम के लिए। उसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों वो है होलसेल वाली बेकरी, बड़ी बेकरी, उसमें आपको जगह चाहिए होती है कम से कम 100 गज की, गज के हिसाब से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिट में बता देता हूँ, कम से कम चौड़ाई होगी जगह की जो है वो 20 फिट, 20 से 25 फिट चौड़ाई होगी, और जो लंबाई होगी जगह की वो भी तकरीबन 40 फिट, 35-40 फिट, मानो 100 गज का, 80 गज का, 100 गज का एक होल आपको प्रॉपर चाहिए होलसेल की बेकरी डालने के लिए, जिसमें आप 200-250 300 kg पर डे काम कर सकते हैं। अब उसमें आपको ये देखना है कि मुझे आइटम कौन सा बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप सारे आइटम बनाओगे उस दिन, तो बोले यार मैंने 8-10 लाख रुपये खर्चा किया है अब मैं इसमें 10 आइटम बनाऊंगा, तो 10 आइटम पे भाई साहब आप कभी भी बेकरी नहीं चला पाओगे, सही है ना, आप 10 आइटम या 5 आइटम बनाओगे वो बेकरी फेल होने वाली, उसमें आपको एक आइटम बनाना पड़ेगा, कोई भी एक आइटम चूज करोगे, या तो आप करोगे ब्रेड का या रस का, रस टोस्ट का, या फिर कुकीज का, या फिर फैन का, या फिर खारी बटर का, ये इसमें से आप कोई भी आइटम पकड़ सकते हो, या बर्गर का, या बन का, या पिज्जा बेस का, जितने भी आइटम है, या पेटिस का, बेकरी के जितने भी आइटम है उसमें से आप एक आइटम पर फोकस करोगे जिस पे आप होलसेल का काम करोगे, सही है ना, होलसेल के लिए एक आइटम आपको पकड़ना है, उसी पे ही आप मेहनत करोगे, जो भी आप अपना माल बनाओगे वो कुकीज हो, ब्रेड हो, बन हो, पाव हो, रस हो, मिसाल के तौर पे आपने ब्रेड का ही काम शुरू करना है तो ब्रेड ही आप बनाओगे उसमें, वो ब्रेड में कितने भी आइटम बनते हो, जम्बो ब्रेड है, जम्बो ब्रेड में होता है 1-4 इंची वाला ब्रेड होता है, आप वो बनाओगे, उसमें आपको कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, उसमें आपको एक ओवन लगेगा, एक मिक्सर, एक स्लाइसर कटर, ब्रेड कटर। अब
बात करते हैं शुरुआत के हिसाब से, आपको कम से कम 200 250 केजी 300 केजी माल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि लेबर का भी है, जगह का भी है, किराया भी है, वो भी आपको निकालना है। नहीं, जरूरी नहीं आपकी अपनी जगह हो, आप किराए पे लेके काम करें, जिनकी अपनी है वो तो ठीक है, कोई नहीं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन आप रेंट पे लेके काम शुरू करेंगे, जगह रेंट पे लेके आप शुरू करते हैं बिजनेस, तो उसके लिए वो भी आपको निकालना पड़ेगा, किराया निकालना है, लेबर का निकालना है, 4 5 लड़के भी होंगे उनका भी निकालना है। तो ऐसा नहीं कि आप 100 किलो माल बनाओ, 100 किलो में कुछ नहीं होने वाला। शुरुआत के हिसाब से आप 20 किलो बनाओ, 30 किलो बनाओ, 40 किलो बनाओ, लेकिन आपको ये करना है कि भाई मुझे अपनी सेल इतनी पहुंचानी है, इतनी कि कम से कम मेरा 300 किलो ब्रेड पर डे निकले, तब आपको कम से कम उसमें 70 80 हज़ार 1 लाख रुपए बचने वाले, वरना तो आपको नहीं बचना। अगर आप 100 किलो 150 किलो माल बनाओगे, आपका ये रेंट में, लेबर में, बिजली के बिल में, इन सब में निकल के फिनिश हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको कम से कम 250 किलो 300 किलो पर डे ब्रेड आपने निकालनी है, सेल करनी है। आप उसको, आप वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत मार्केट में जाके करते हैं, कितनी दुकानों पे आप जाते हैं डेली, कितने जगह पे आप ग्राहक के पास अपना माल लेके जाते हैं। भाई उनको तो ख्वाब नहीं आ रहा है, मार्केट वालों को, आपने बेकरी खोली है तो आपको लेके जाना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट में लेके जाओ, आप अपने बिजनेस ऑनलाइन कर लो, जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है, उस पर आप डाल दो, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, भाई हमारी बेकरी इस जगह में आपको जरूरत पड़ती है तो आप हमारे यहाँ से ब्रेड लेके जाएं, या फला फला जो भी आप चीज़ बना रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल डीपली जाना पड़ेगा अपने बिजनेस में, अपनी बेकरी वगैरह चलानी है तो डीपली दिल पे लेना पड़ेगा, जोश चाहिए बिल्कुल चलाने वाला, बिजनेस वाला, ऐसा नहीं पैसा लगा दिया हो गया ना सब मेरा बिजनेस कुछ चलेगा, किसी को ख्वाब नहीं आ रहा है बॉस के आपकी बेकरी यहाँ पे, तो आपको ये खुद जाके बोलना पड़ेगा कि ये हमारा ब्रेड है, हम इतने का दे रहे हैं। शुरू में मार्जिन थोड़ा कम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब नाम चल जाएगा अपने नाम के, फिर वो बिकेगा माना, ब्रेड पे अपने नाम की पन्नी छपवाओ, जो भी आप बेकरी का नाम रखेंगे।